अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बच्चों, आज हम हुर्फ़े तहजी का हुर्फ बे, ये क्या लिखा हुआ है। बे, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं। बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। आज हम हुर्फ़े तहजी का एक हुर्फ बे लिखना सीखेंगे, ठीक है, कि बे लिखते कैसे हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखें मैं आप, यहाँ पर हमारे पास डॉट्स लगे हुए हैं, मैं इस पर ट्रेस करूंगी, आप लोग भी साथ साथ देखिए और पढ़ते जाइए। मैं क्या लिख रही हूँ, बे, क्या लिख रही हूँ मैं, ये बे, बे के नीचे एक नुक्ता, क्या लिखा मैंने, ये बे, बे के नीचे एक नुक्ता, क्या लिखा मैंने, ये बे, बे के नीचे एक नुक्ता। ये क्या बना हुआ है, बकरी। बकरी देखी है ना आप लोगों ने, अभी ईद उल अजहा आ रही है, आप लोगों को पता है उसमें कुर्बानी होगी, तब भी आप देखेंगे बकरी किससे आता है, बे से, बे से बकरी, बे से बकरी, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बदक, बदक दिख रही है ना आप लोगों को, बदक किससे आती है, बे से, बे से बदक, बे से बदक। बे कैसे लिखते हैं देखिए एक बार फिर से, देखिए यहाँ पर डॉट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी पर मैं ट्रेस करूंगी, ठीक है। बे से बदक, देखिए यहाँ पर बे से बदक, यहाँ क्या बना हुआ है, बल्ला, बल्ला देखा है आप लोगों ने, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैट, आप लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, ये बल्ला है, हम इसे उर्दू में बल्ला कहते हैं। बल्ला भी किससे आता है, बे से, ठीक है। और हम बे कैसे लिखते हैं देखिए यहाँ पर मेरे साथ डॉट्स लगे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं ना, हम इसी पर ट्रेस करेंगे और ये हमारा हो गया बे, बे से बल्ला, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये क्या लिख रही हूं मैं, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे से क्या क्या आता है, बे से बकरी, बे से बदक, बे से बल्ला, ठीक है जी बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, ये क्या बना हुआ है, बस्ता, बस्ता बना हुआ है ना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैग। आप लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो इसमें अपनी कॉपीज, अपनी डिक्शनरी का सामान सारा रखते हैं, ये बस, इसे उर्दू में बस्ता कहते हैं। और बस्ता किससे आता है, बे से, बस्ता किससे आता है, बे से, बे से बस्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी डॉट्स लगे हुए हैं, मैं यहाँ पर भी ट्रेस करके आपको बता रही हूँ कि बे कैसे लिखते हैं, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, क्या लिखा मैंने, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बाल्टी, बाल्टी देखिए ना आप लोगों ने, आप लोगों के भी घर में होंगी, तो बाल्टी भी किससे आती है, बे से, ठीक है, बे से बाल्टी, बाल्टी आप जब पढ़ेंगे तो इसमें भी ब, बा का साउंड आ रहा है ना, बे से बाल्टी, बे से बस्ता, बे से बाल्टी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कि हम बे कैसे लिखेंगे, साथ साथ पढ़ते जाएं, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, बे से हमारे पास क्या क्या आता है, बे से बकरी, बे से बदक, बे से बल्ला, बे से बस्ता, बे से बाल्टी, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है, बे से बच्चा, बच्चा जो हम पढ़ते हैं तो बच्चा भी बे से आता है। और इसके अलावा बंदर, मंकी देखा है ना आप लोगों ने, मंकी भी किससे आता है, हम मंकी को उर्दू में क्या कहते हैं, बंदर, ठीक है। बंदर किससे आता है, बे से, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि बे कैसे लिखते हैं। देखें यहाँ पर डॉट्स लगे हुए हैं, आप इस पर ट्रेस कीजिएगा बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, बे के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। आप, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो बे से आती है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजें ढूंढिएगा जो बे से आती हो, ताकि आपको
बे का साउंड अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके बेटा। और इसके अलावा अपनी मामा को कहेंगे कि एक पेपर पर नीट एंड क्लीन बिल्कुल होना चाहिए पेपर, उस पर आपको बे के डॉट्स लगा कर दें और आप उस पर बहुत नीट एंड क्लीन उस पर ट्रेस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बार बार देखेगा ताकि आपको बे का साउंड अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके बेटा। अल्लाह हाफिज़।